हाय एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के साथ हेयर एक्सेसरीज़ की ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारे हेयर एक्सेसरीज़ हैं। वेट, देयर सो मैनी। मैं अभी इसको क्लीन कर रही थी और मैं उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी। हम लोग को उठा लेते हैं नीचे। देखिए, सबसे पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट, ये जो हेयर है, फेक हेयर, हेयर बन है, तो इसको आप है ना ऐसे इसको ऊपर करके और ऐसे करके हेयर में कभी भी टाई कर लोगे तो ये थोड़ा एक ना अच्छा बन का लुक दे देता है उसे। और आपको कहीं भी मतलब कोम की भी आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हेयर थोड़े फिक्स हैं तो आप इसको मेसी बन को उसे लगा सकते हो। इसमें भी बहुत वैरायटीज़ आती हैं, पर मेरे पास ये है और मैंने दो ऑलरेडी यूज़ किए और वो ख़राब हो गए, तो मैंने दो ले कर आई। तो वो दो मुझे 6 मंथ चले थे, उसके बाद मैं ये दो लेकर आई। तो दिस इज़ द मस्ट हैव, मतलब रेगुलरली भी अगर आप सूट वगैरह पहनते हो तो आप पहन सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, फेस्टिवल वगैरह में तो आपको ये चाहिए चाहिए, मतलब मुझे तो चाहिए होता है। एंड सेकेंड मस्ट हैव थिंग इज़ दिस काइंड ऑफ मोगरा फूल वाला जो है, ये आपको फेस्टिवल में अच्छा यूज़ हो जाता है। इससे आप वो बन के ऊपर ऐसे लगा लो, या फिर आप ऐसे भी है ना नीचे की भी पोनी बनाते हो तो आप ऐसे करके लगा सकते हो इसे। सो इट्स लुक लाइक मो, जैसे हमने कोई रियल फ्लावर लगाया है। सो ये बहुत अच्छा होता है। और ये वाला जो है, ये भी आपको बन में टाई करने के लिए बहुत अच्छा, ऐसे करके बांध लो। इसमें रबड़ वाले, इलास्टिक वाले भी आते हैं, बट मेरे पास ये टाई करने वाले हैं। देन द थर्ड वन इज़ दिस। इसको मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं एक्चुअली, मैं सोच रही हूँ यूज़ करने का। सो मैं जब इसको बनाऊँगी ना इसके, तो मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। ये आई थिंक ना ऐसे करके जो पीछे जूरा बनाते हैं ना, तो जूरा में ये ऐसे लगाते हैं। सो मैं इसका जब यूज़ करूँगी ना तो मैं आपको शेयर करूँगी। ये मैंने 3 बाय किए हैं, ये मैंने न्यू परचेस किया है। 2 बाय किए हैं, एक गोल्डन में और एक ये वाइट में। गोल्डन वाला भी दिख, सॉरी पिंक कलर का है, गोल्डन नहीं, पिंक कलर का है ये। एक ये गोल्डन और पिंक कलर में है। सो ये भी अच्छा लगेगा इससे। और ये डायमंड और सिल्वर में है, मतलब ये मोस्टली मुझे लगता है पार्टी वेयर साड़ी या फिर पार्टी वेयर गाउन वगैरह पे अच्छा लगेगा, और हेयर लुक के लिए। और ये ना ट्रेडिशनल वेयर साड़ी पे है ना मोस्टली अच्छा लगेगा। तो ये मैंने 2 परचेस किए। और इसके साथ ना एक छोटा सा मुझे मिला था, ये मैंने मेरी डॉटर के लिए लिया था, तो ये मे भी उसके बन के लिए या फिर ना ऐसे, ये ना कोम जैसा है, तो यहाँ पे ना सूट के ऊपर पहन सकते हैं इसको ऐसे, जस्ट कोम की तरह इसको ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर, जहाँ भी आपको लगता है आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, आपको कोई क्लिप करने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक मेरे पास है जिसको मैं अभी यूज़ नहीं किया, ये भी नया ही है। चले नेक्स्ट, ये एक ये आता है वायर जैसा, ये डिफरेंट डिज़ाइन का आता है। इसके साथ है ना आप ऐसे स्टाइल कर सकते हो ऐसे, नहीं तो आपके वही साइड हेयर में भी आप ऐसे करके स्टाइल कर सकते हो। इसके साथ ना 2 पिन आती है गोल्डन कलर की, और उसी के साथ आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होता है यहाँ पे पिन। तो अगर आपको ना सभी प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, सभी अंडर 100 ही है, 100 रुपये से ऊपर कुछ भी नहीं है। पर मैं अगर प्राइस मेंशन करूँगी तो आपको ना आपका लोकल प्राइस डिफरेंट होगा, तो इसके लिए मैं प्राइस मेंशन नहीं करूँगी। बट सारे प्रोडक्ट 100 रुपीज़ के अंदर ही है, कुछ भी 100 रुपीज़ से ऊपर का नहीं है। ठीक है, चलिए इसके आगे एक जो है ये तियारा जो है, आपको ये ऑलवेज़ काम करता है कोई भी नया लुक क्रिएट करने के लिए गाउन वगैरह पे। एंड ये मेरे पास बहुत सारे कलर के हैं, वाइट भी है मेरे पास पिंक भी, मतलब ये मेरे पास 10-12 पीस हो गए हैं, क्योंकि मदर्स डे वगैरह पे ये काफ़ी यूज़ हो जाता है। तो ये हो गया आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये आजकल वो पिन चली हुई काफ़ी, तो ये तो बच्चे के लिए है, तो मेरे डॉटर का है, मेरे खुद के लिए भी मैंने काफ़ी सारे लिए हुए। अभी तो मेरे पास जो मिल नहीं रहा ऐसे वो वाले पिन भी जो है ना, ये भी आपको अच्छा वन पीस या फिर वेस्टर्न लुक के लिए, बीच वेयर के लिए अच्छा लगता है उसके हेयर में ये पिन लगाने के बाद। ये देखिए ऐसे होते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं, अभी मेरे पास मिल नहीं रहे। ये ऐसे यहाँ पे पिन होता है ऐसे, और ये आपका पीछे है ना, आप यहाँ पे लगा लो। ये तो भी थोड़ा बाबी टाइप का है, गर्ल्स टाइप का, पर मेरे लिए जो मैं यूज़ करती हूँ सैटिन वाले जो होते हैं, देखो ये एक है ये टूट गया है, ऐसे सैटिन वाले जो होते हैं ना
इसको मैं वो कर दूँ, स्टिच कर दूँ। सैटिन वाले जो बहुत हैं ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो ये मैं मेरे लिए यूज़ करती हूँ। इसमें अभी ये वाला भी एक आता है, पर ये बच्चों को अच्छा लगेगा ऑब्वियसली, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो ये भी आ गए। अच्छा, एक आपको ये ऐसे वाले जो हेयर बैंड होते हैं ये भी आप रखोगे ना तो अच्छा रहता है। इसको है ना आप कभी भी मेकअप कर रहे हो ना तो इसको कवर करने के लिए, हेड को कवर करने के लिए मेकअप या फेस क्लीनिंग कर रहे हो तो उसमें ये अच्छा यूज़ हो जाता है। तो ये भी एक फर्स्ट हेयर प्रोडक्ट है। और उसके बाद ये एक मेरे पास है ये फ्लावर वाला, मतलब तियारा भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने एक बार फ़ोटोशूट के लिए इसको यूज़ किया था, और ऊपर से ये जूरा के लिए भी काम आता है। जैसे जैसे ये वाले हमने जूरा के लिए लगाए थे, वैसे ही इसको भी आप जूरा में ऐसे जूड़े में ऐसे लगा सकते हो, ऐसे राउंड करके। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। फिर नेक्स्ट ये है आपको ये कोम जैसा रहता है ये फ्लावर का, ये भी आप ना यहाँ पे अपने जूड़े में ऐसे पीछे से सिर्फ टिका दो, ऐसा लगेगा कि जूड़ा बनाया आपने। तो इसको भी आप ना ऐसे कोम की तरह है ना ऐसे फ्लावर डिज़ाइन के लिए कर सकते हो, या फिर ना फिर उसको जूड़ा पे ना आपको बांधना नहीं है कुछ भी, तो मैसी हेयर से आप जूड़ा बना लो अंदर ऊपर से है ना, ऐसे आप इसको ऐसे करके आप इसको लगा सकते हो। कोई पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लगाओगे टिक जाता है ऐसे फ्लावर। तो ये भी एक अच्छा परचेस है अगर आप फेस्टिवल्स या वैसे भी कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ये क्राउन, क्राउन भी अगर लेकर रखते हो ना तो कभी भी है ना क्राउन की भी यूज़ हो जाती है। गाउन वगैरह पहन रहे हो या स्कूल में फैंसी ड्रेस वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये अच्छा यूज़ हो जाता है साड़ी। एंड एक ये भी है, मतलब ये तो 10 रुपीज़ की आती है, बट ऐसी फड़ी वाली जो रबड़ होती है ना, ऐसी फड़ी वाली जो रबड़ होती है ना, तो ये भी आप ट्राई करोगे ना तो हाई पोनी में, तो ये आपका फेक हेयर जैसा ही काम करता है, बन जैसा ही काम करता है, जैसे ये काम करता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट जो है वो ये है, एक इसके साथ हाई जो होते हैं वो तो क्या कहते हैं, अरे नो उसको कुछ कहते हैं, हाई हेयर को जो थोड़ा ऊपर करते हैं, तो उसके लिए एक आता है वो फेक, वो नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास ये है, अगर आप पीछे जूड़ा बन बनाते हो ना तो उसमें पहले ये लगा के उसके बाद ऊपर से हेयर को पिनअप करते हैं, तो उसमें इसका यूज़ होता है ऐसे नेट जैसी है थोड़ी जाली जैसी। ये भी अगर रखते हो तो अच्छा है, बट मैंने अभी उसका उतना यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास फेक हेयर है तो मुझे जूड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसको लगाती हूँ उठाती हूँ लगा, तो बाल तो मेरे है ही लंबे तो मैं उनको बन बना लेती हूँ और ये बना लगा लेती हूँ। एंड द लास्ट ऐसे वाले फ्लावर आते हैं, और ये फ्लावर भी ना अच्छे यूज़ होते हैं, जैसे आपने साइड से भी आप ऐसे करके लगा सकते हो पिन लगा के, या फिर है ना आपको जूड़ा बना के पीछे से आप उसमें फेक हेयर लगा के ऐसे जूड़ा बन में, लगा के और ये ना ये आप बालों में लगा सकते हो, ऐसे करके आप लगा सकते हो। तो ये भी है ना फ्लावर अगर परचेस करके रखते हो, ये 10 रुपीज़ का एक था, तो इसमें कलर भी मिलते हैं अगर आप ये परचेस करके रखते हो, तो ये भी अच्छा काम आता है कोई भी लुक को क्रिएट करने के लिए फटाफट से। तो अभी के लिए वीडियो इतना ही है, और क्या है, कुछ भी नहीं, ये आई थिंक बच्चे लोग की चीज़ें हैं। चलिए मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, ये भी फिर यहाँ पे है, तो ये जो क्रिश्चियन वेडिंग में आप लोग देखते होंगे या फिर एंजल या फेरी का स्कूल में लुक होता है, तो ये उसके लिए है। हाँ, ये तो बर्थडे वाला क्राउन है, तो ये सभी मेरे पास कबर्ड में रहते तो मैं इनको और, अच्छा एक और ये अगेन ये कुंभ वाला है, तो ये जो है ना मेरी डॉटर के लिए मैंने लेकर रखा है, पर ऐसा नहीं कि कोई भी यूज़ कर सकता है, अभी वो भी बड़ी हो गई 10 ईयर्स की है तो वो भी यूज़ करती है, बट इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो मैं आपको एक और शेयर करती हूँ, ये जो है ना ऐसे ऐसे करके आप ये ना थोड़ा हेयर बैंड जैसा लुक करने के लिए, मतलब हेयर बैंड नहीं लगाना है तो आप जैसे ऐसे लगा लो और आगे के बाल खुले छोड़ दो, ये पीछे की जो हेयर है ना वो बार बार आगे नहीं आएगी, तो ये प्लेन में भी मिलता है, और यहाँ पे एक जस्ट यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं, और इसके साथ ना काफ़ी ऐसे वालों में ना फ्लावर भी आता है और वो नेट का आता है, बट वो मैं नहीं लेती, पता नहीं वो कैसा लगेगा और वो कम्फर्टेबल होगा कि नहीं यूज़ करने के लिए, ये मैं बहुत ही कम्फर्टेबल हूँ इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो चलिए ये सब इतना सब शेयर कर ही लिया, तो मेरे पास ये भी एक है, जो मेरी डॉटर छोटी थी तो उसके हेयर नहीं थे तो मैंने ये बाई किया था। ऐसे नकली हेयर भी आते हैं जिनको आप है ना थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ऐसे
लगा सकते हो। इसमें कैप भी लगे हुए, तो कैप मैंने निकाल दी है। जस्ट आप इसको पीछे से है ना ऐसे वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए ऐसे क्लिप में लगा सकते हो। इसे ना थोड़ी पीछे से हेयर में ना वॉल्यूम आ जाती है, अभी सही से लगे नहीं है, तो कभी मैं लगाऊंगी तो इसके एक शॉर्ट शेयर करूंगी। एक मेरे पास ये है, ये केक में क्राउन के लिए यूज़ होता है, इसको मैंने रखा था कि किसी फैंसी ड्रेस में वो जो ताज का जो लुक होता है वो क्रिएट करने के लिए। ऑफकोर्स इसे हो जाएगा, इसमें क्लिप लगाना पड़ेगा और पैसे डालें भाई, क्यों वेस्ट करना है ना, तो पैसा तो वसूल करना पड़ेगा। और बस अभी के लिए इतना ही, कुछ क्लिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी, जो मैंने अभी रिसेंटली परचेस किए हैं, वो भी नए हैं काफ़ी मार्केट में, आपसे वो भी शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने कुछ परचेस किया है रिसेंटली से, जो अभी काफ़ी चल रहा है, ये ऐसे वाली क्लिप जिसको है ना आप ऐसे करके किसी भी ड्रेस पे वेयर कर सकते हो आप। ये मैंने काफ़ी सारे लिए हैं, एक ये डिज़ाइन है हार्ट एंड स्टार का, डबल हार्ट है, फिर बो का डिज़ाइन है, फिर ये कुछ ऐसा सी क्रिएचर लग रहा है, पता नहीं क्या है, और ये एक है मिकी माउस, एंड दिस इज़ इट लुक लाइक पिकअप का जो होता है वो। सो ये कुछ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल हुआ हो आपके लिए कुछ। आपके साथ मैंने अपनी जो भी नॉलेज थी इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने शेयर की है, और मैं कैसे यूज़ करती हूँ तो पता नहीं ये आपके कितने काम का है नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कैट है, कितना क्यूट लग रहा है ना, क्यूटी। ऐसे ही होता है जब आपके पास एक डॉटर होती है ना, तो ये जो है बचपन की चीज़ें आप वापस से है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।